मैंने एक रेसिपी बनाई थी चिकन साग वाला, तो भाई बहुत कमेंट आया मेरे पास, जो हमारे वेजिटेरियन लोग थे ना उन्होंने बोला भाई सर आपने चिकन साग वाला तो बना दिया, इतनी अच्छी रेसिपी बनाई, लेकिन अब हमें वेजिटेरियन रेसिपी बताइए ना। तो मैं आज बना रहा हूँ साग वाला सोया चाप। जी हाँ, वेजिटेबल रेसिपी है और बहुत ही शानदार रेसिपी है। टेस्ट करेंगे ना आप तो आप खुद बोलेंगे सिंह भाई मजा आ गया, और कौन से शहर से देख रहे हैं टेस्ट करके मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और इतना लाजवाब टेस्ट आएगा जिसको भी खिला देना, जब पार्टी वार्टी हो ना तो ये जरूर बना के खिलाना आप, 100% पसंद आएगा सब लोगों को। तो नमस्कार दोस्तों, मिसल सिंह किचन में आपका बहुत स्वागत है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करना, काफी लोगों को फायदा होगा, आपको टेस्ट का मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 500 ग्राम सोया चाप, ऑनलाइन आराम से मिल जाती है, अमेजोन वगैरह किसी भी उस पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसे मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया और बीच में जो स्टिक थी ना वो मैंने इसकी स्टिक भी निकाल ली है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं आप आराम से। और यहाँ पर मैं करूँगा एक चाप के 3 पीस, जी हाँ इस तरह से एक चाप के 3 पीस करूँगा, और ये जो कि देखिए ना अभी जो लेयर है ना इसकी जो लेयर ये खुलनी चाहिए, ये हमें लेयर खोलनी है। कई लोग फ्राई करते हैं, कई लोग बॉयल करते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसको कैसे खोलनी है और इसके अंदर जूस कैसे डालना है, ये ग्रेवी का मसाला कैसे डालना है वो बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैंने 4 टिकिया बटर के लिए, मतलब 2 टेबल स्पून के आसपास बटर, जी हाँ बटर को मेल्ट करना है, खाली गर्म नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे बटर मेल्ट हो जाए हमारी ये सोया चाप इसके अंदर हम डाल देंगे, जी हाँ, और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है जब तक इनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, और इसका फ्लेवर है ना आराम से इस चाप के अंदर आ जाएगा और लेयर्स भी खुल जाएगी। 2 से 3 मिनट मैंने पकाया है, देखिए कलर भी चेंज हो चुका है हमारी चापों का, और बिल्कुल हमारा ये हो चुकी है कि कलर देखिए आप किस तरह अच्छा आया है इसका कलर, और इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस अब क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर डाल रहा हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस 1 मिनट इसे पकाना है स्लो फ्लेम के ऊपर, कि जितना भी हमने डाला ना कश्मीरी लाल मिर्च और हमारी हल्दी इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और कलर भी चेंज हो जाए। तो ये हो चुकी कंप्लीट, इसे निकाल के रख लेंगे हम साइड के अंदर गैस बंद करके, और ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना जूसी सा हो गया है। इसके अंदर जो लेयर्स थी ना उसके अंदर हमारा बिल्कुल ऑयल भी आ चुका है, इसी तरह से हमारा उसका फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक पालक की गड्डी जिसे मैंने बॉयल कर लिया था, जिसे एक बंच बोलते हैं ना, उसे बॉयल करके ठंडे पानी में धो के और पानी निचोड़ लिया था, पानी बिल्कुल नहीं रखना है इसके अंदर, और इसको मिक्सी में हम बनाएंगे इसका पेस्ट, पेस्ट में हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। तो मिक्सी में डाल के सब पेस्ट बना लिया था कि इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, पर ये हो गया। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 कटोरी दही, जी हाँ 1 कटोरी दही ले रहा हूँ, दही खट्टा मत लीजिएगा ये कोशिश करिएगा। 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार 1 टीस्पून में डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को हम फेंट के दही के अंदर अच्छी तरह से रख लेंगे। मसाले दही से फेंटने से क्या होता है, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हमारी सब्जी जलती नहीं है, उसमें कालापन नहीं आता। तो बस ये हमारा दही हो चुका, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 कढ़ाई, जी हाँ उसमें डाल रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल, ऑयल को हमें करना है गरम। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो खड़े मसाले डाल रहे हैं, 2 तेज पत्ते और 7 से 8 काली मिर्चें इसके अंदर डाल रहा हूँ, 2 बड़ी इलायची काली इलायची से बोलते हैं, 2 मैं दालचीनी टुकड़े और 4 मैं हरी इलायची डाल रहा हूँ। इसे हमें 30 से 40 सेकंड बस भून लेना है, बस ये भून लिया इसका अरोमा जो है ना ऑयल के अंदर आ जाए। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले रहा हूँ जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, कद्दूकस करने से प्याज का क्या है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सब्जी का फ्लेवर ही बहुत अच्छा होता है। इसे हमें भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक, जी हाँ गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज को भूनना है। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक देखिए मैंने प्याज को भूनिया, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी प्याज की होनी चाहिए, गोल्डन ब्राउन, लाइट सौते ब्राउन नहीं करना है हमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और मीडियम फ्लेम पे इसे भी हम पका लेंगे 1 मिनट तक, जिससे क्या होगा कि अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन इसमें से चले जाएगा। तो ये हमारा पक चुका अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे भी मैंने कद्दूकस किया था, कद्दूकस करके मैं इसलिए डालता हूँ कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर हमारा ये मसाले वाला बैटर जो दही के अंदर हमने मिक्स किया था ना वो डाल देंगे और थोड़ा सा पानी मिला के उसी से कि बैटर हमारा ख़राब नहीं हो। और बस अच्छी तरह से इसको हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक भूनना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनना है, ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है कि इसका ऑयल रिलीज हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। मीडियम फ्लेम में मैंने से 5 से 6 मिनट भूना मसाले को और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया और ये अच्छी तरह से भून भी गया, हलवे की फॉर्म में आ चुका है। और बस इसमें क्या करना है, 1 गिलास पानी डाल रहा हूँ, पानी डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल लाना है, पानी डालने के बाद हमेशा उबाल लाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बस ये उबाल हमारा आ चुका और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर या अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं चटपटा टेस्ट आने के लिए। 1/2 टीस्पून डाल रहा हूँ इसके अंदर हमारा गरम मसाला जिससे अच्छा तीखापन आएगा और इसमें हम डाल देंगे हमारी सोया चाप।
ये सोया चाप डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक। जी हाँ, जिससे क्या है कि फ्लेवर जितना भी है ना हमारी चाप के अंदर आ जाए। तो 5 मिनट इसे पकाया मैंने और 5 मिनट पकाने के बाद देखिए पूरा का पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ चुका और बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि आप सोच लोगे पालक कहाँ है भाई। तो यहाँ गैस की फ्लेम हम कर देंगे बंद और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे कि पालक का किस तरह से हमें वो बनाना है। बहुत शानदार रेसिपी बनेगी दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, सॉरी 1 टेबल स्पून नहीं, 1 बड़ा चम्मच ले रहा हूँ वेजिटेबल ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल रहा हूँ 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 टेबल स्पून इसमें डाल रहा हूँ लहसुन की कलियाँ। जी हाँ, बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ मैंने इसके अंदर ली थी 7 से 8। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है लहसुन को, जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया ना, जलाया नहीं है हमने लहसुन को। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हमारा पालक का पेस्ट, जो मिक्सी में थोड़ा सा लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के ये पेस्ट डाल देंगे और इस पालक को हमें पकाना है 5 से 6 मिनट। मीडियम फ्लेम के ऊपर पालक को पकाएंगे 5 से 6 मिनट, तभी इसका कच्चापन जाएगा पालक का। तो बस ये देखिए मैंने पकाया, कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है लहसुन की और इसकी बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। आप ये बना के देखेंगे ना तब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये हो चुका, अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे ये सोया चाप जो ग्रेवी वाली हमने बनाई थी ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसे भी हम ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाएंगे, जो पालक का फ्लेवर लहसुन का फ्लेवर जो है ना वो सारा का इसके अंदर आ जाए। तो एक बार इसे मिक्स किया, ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट पकाते हैं। तो देखिए 5 मिनट मैंने इसे पकाया और देखिए अब देखिए कंसिस्टेंसी आप, लेकिन अभी जाइएगा मत, अभी वीडियो बाकी है, क्या इसमें एक तड़का लगेगा। तो बस ये देखिए सोया चाप बिल्कुल हमारी पक चुकी है। अब इसमें लगाएंगे कि स्पेशल तड़का जो फ्लेवर देगा, असली फ्लेवर जो देगा, इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। एक मैं फ्राई पैन ले रहा हूँ, उसके अंदर डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। जी हाँ, और इसमें डाल रहा हूँ 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, इससे फ्लेवर बहुत शानदार आएगा। और इसको भी हमें पकाना है जब तक हमारी हरी लाल मिर्च पक जाए और लहसुन का फ्लेवर है ना और कलर जो गोल्डन ब्राउन हो जाए। लहसुन का कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाए ना तो बस यहाँ गैस की फ्लेम बंद करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जो हमारी सब्जी के अंदर बहुत अच्छा सा कलर आए। तो बस ये तड़का हमारा हो चुका है तैयार और ये तड़का हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी सोया चाप। जी हाँ, सोया चाप के ऊपर हम डाल देंगे, ये हमारी लहसुनिया सोया चाप बोल सकते हैं आप इसे, पालक सोया चाप बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। 5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन लगाया, हटाया और ये देखिए, और फ्लेवर इतना शानदार आएगा दोस्तों कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये साग वाला सोया चाप है एक्चुअल में जो मैं बनाया है मैंने आपके लिए। अब इसे आप कैसे खाना पसंद करेंगे, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी आप पसंद करें ना उससे खा के और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसे लगी दोस्तों मेरी रेसिपी और मेरा वीडियो, अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। नई रेसिपी नई वीडियो के साथ वापस आ जाता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।